कुछ लोगों को नीचे गिरने से या नीचे देखने से बहुत डर लगता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ये काम बचपन से करते आ रहे हैं और नीचे गिरने के मजे लेते आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्रॉम वर्सेटाइल लाइफ ऑब्जर्वेशन वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत। चैनल का नाम ही ये क्लियर कर रहा है कि आपके आसपास होने वाली घटनाएं या जो भी चीज़ें आप देखते हैं उनमें आपको क्या लाइफ लेसन मिलते हैं वो हम आपके सामने ला कर रखते हैं। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ करके नहीं सीखी जा सकती, कुछ लोगों को जिन्होंने कर ली है उनको देखकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। बचपन से स्लाइडिंग करते आ रहे हैं, कभी पार्क में, कभी स्कूल में, कभी किसी मेले में, और फिर कोई ये कहे कि हमें ऊपर से नीचे देखने में या गिरने में डर लगता है तो बात कुछ अजीब सी लगती है। चलिए ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हर बच्चा अपने बचपन से ये सब चीज़ें करता आ रहा है, लेकिन आजकल के टाइम में इन चीज़ों को करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, वो करने के लिए भी लोग रेडी रहते हैं। कि एंजॉय को कैश करने के लिए ही तो इतना सब कुछ चल रहा है, जिनसे लोगों की रोजी रोटी चल रही है। और इन सब के एग्जांपल इतने हैं जिसमें रेसर राइड, रेसर स्लाइड, वाटर पार्क्स, हाई स्लाइड, स्लिप एंड स्लाइड, पीडी स्लाइड, बम्पिंग स्लाइड, जंपिंग एंड बम्पिंग, इसमें भी इतनी वैरायटी हो गई है कि अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जगहों पे तो रिस्की फॉर्म भी फिल करवाया जाता है कि अगर इसमें कोई रिस्क हुआ, आपके लग जाती, गिर जाती या आपको कुछ भी हो जाता है तो उसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में इस तरह के एंजॉय अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग करता ही है, लेकिन इन सब बातों के बीच में हमारे को हमारा लाइफ लेसन क्या मिल रहा है? खेल खेल में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जिनमें हमारा एंजॉय हो रहा है या हम पेमेंट करके एंजॉय कर रहे हैं उससे हमें लाइफ लेसन क्या सीखने को मिल रहा है, ऐसा देखते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। शायद आपने भी कभी ऐसी चीज़ें नोटिस नहीं की होगी इनके अंदर। किसी भी राइड को एंजॉय करने के लिए हमें किसी हाइट पर पहुँचना होता है, सेम एज़ सक्सेस पे पहुंचने के लिए भी हमें किसी हाइट पे पहुंचना होता है। इस लक्ष्य पे पहुंचना हम डिसाइड करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जो जो प्रॉब्लम्स आती है और उस हाइट तक पहुंचने के लिए आपको अपना फियर फेस कर, दूसरी चीज़ ऊपर तक चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती, अपने टर्न का वेट करना पड़ता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता। जब आप अपने सारे फियर फेस करके उस हाइट तक पहुंच जाते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, आप उसको एंजॉय करने के लिए आप वहां कैसे पहुंचे थे, कितनी प्रॉब्लम्स, कितना फियर फेस किया, वो सब भूल जाते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए सारे एफर्ट्स को साइड में रख करके आप एंजॉय लिए कूद पड़ते हैं, बिना इस चीज़ की परवाह करे कि आपने जितने एफर्ट्स डाले थे ऊपर पहुँचने में वो सारे एफर्ट्स वापस नल हो जाएंगे। क्योंकि ऊपर पहुँचने में टाइम लगता है, नीचे आने में तो कोई देर नहीं लगती। अब आप इसे गुरुत्वाकर्षण का नाम मत दे दीजिएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में तो गुरुत्वाकर्षण ही काम करता है, लेकिन जिस तरह से सक्सेस को एंजॉय करना शुरू करते हैं वो गुरुत्वाकर्षण से भी तेज काम करता है। इस पे बने रहने के लिए वो एफर्ट्स कंटिन्यू नहीं रहते हैं। राइड्स एंजॉय करते वक्त हम कहाँ जाके गिरेंगे, कितनी लगेगी, क्या होगा, जिस तरह हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता, तरह से सक्सेस को एंजॉय करने में हम जो टाइम वेस्ट करते हैं वो टाइम हमें क्या दे सकता है उस चीज़ का भी हमें अंदाज़ा नहीं रहता। राइड एंजॉय करने के लिए हाइट पे पहुंचने और सक्सेस के लिए हाइट पे पहुंचने में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। राइड एंजॉय करने के लिए एक क्रेज, एक हैप्पीनेस, एक बिलीव होता है। लक्ष्य तक पहुंचने का भी सीक्रेट यही है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरते वक्त जो जो हादसे हो सकते हैं वही सक्सेस को छोड़ के उसको एंजॉय करने में लगने वाले टाइम में होते हैं। यहाँ एक सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिसने छोटे से गाँव से अपना करियर स्टार्ट किया और एक बड़े शो में तब्दील किया, और उस बड़े शो के सक्सेस होने के बाद में वो अपनी सक्सेस को एंजॉय करने में लग गया और औंधे मुंह आ गया। नाम तो नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि उस शो को सब जानते हैं, सब देखते हैं सैटरडे संडे। तो आप कहेंगे कि सक्सेस पे पहुंचने के बाद में भी सक्सेस को एंजॉय नहीं किया जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम राइड करते समय बेफिक्रे हो जाते हैं ना, उस तरह से सक्सेस के बाद में हमें बेफिक्रे होना बहुत महंगा पड़ता है। आप इन ओपिनियन से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सीधा सा फंडा है, अगर आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इवन उस पे बने रहने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपको वहाँ नहीं रहना है तो आपको नीचे आने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इन राइड्स और स्लाइड्स से आपको ये लाइफ लेसन मिल रहा है जो हर दिन आपकी ज़िंदगी में घट रहा है। ये फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ में रियलिटी मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।